30 मार्च को थाना पनेरा में एक महिला की लाश मिली थी, मृतका की उसमें शव मिला था। इसके बाद उसके ससुर के द्वारा एक प्रार्थना पत्र और तहरीर दी गई थी कि उनकी जो बहू है उनकी हत्या कर दी गई है। पुलिस के द्वारा जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और बाद में इसमें छानबीन की गई। तो इसमें जो आसपास की जो तहकीकात की गई, इसमें जाँच की गई, तो ये पता चला कि गाँव में ही एक झिंकू नाम का आदमी रहता था जो इस महिला के साथ उसके पति की पूर्व में मृत्यु हो चुकी थी। तो ये जो अभियुक्त है ये उसके साथ रहता था और उसके साथ जब ये रहता था तो इसका अक्सर विवाद होता था उसके ससुर से। बाद में इस युवक का जो अभियुक्त है उसका एक और महिला के साथ संबंध हुआ जिसको जो विधवा महिला है उससे ये आपत्ति होती थी कि क्यों तुम दूसरे महिला से संबंध रखते हो। इसी बात को लेकर उसने उस दिन शराब पी और उसने उस घर पर जाके हाथों से गला दबाया और महिला की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसको थोड़ा इसमें जब ये मार रहा था तो हाथ में छीना झपटी भी हुई तो उसमें उसको थोड़ी चोट भी लगी महिला को और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पुलिस के द्वारा इसमें छानबीन करने के बाद जो झिंकू है उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसको जेल भेजा जा रहा है।